श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद सूरत की बिना द्वार खुलना हकीकत। एक दम पावे दिल औलिया जाके असला कनिशवत। जाके असला कनिशवत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक कदम आए जिन दिल में तेता आई हक सूरत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल जिनके हृदय में अंकित हो गए तो उनके हृदय में ही उनका स्वरूप भी अंकित होता है। ए चौदे तव कपावे नहीं बिना असल हक निश्वत। किंतु ये सौभाग्य 14 लोक के लोगों को प्राप्त नहीं होगा बिना असल हक निश्वत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ के संबंध के बिना ये सौभाग्य दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकता। ये ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है। दिल मोमिन क्यों अरस कया ए दुनी एता न विचारत। ब्रह्मात्माओं के हृदय को क्यों परमधाम कहा है, दुनिया के लोग इतना भी विचार नहीं करते। यदि विचार करते तो उनको भी पता चल जाता। ए विचार तो उपजे जो होए हक निश्वत। तो उसका समाधान भी बता रहे हैं। ये विचार भी तभी आते हैं जिनका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध होता है, नहीं तो विचार ही नहीं होता है परमात्मा के प्रति। रोहे अरस बुद्ध जी बिना छल का न पावे कोई कित। रूहें कहने का तात्पर्य ब्रह्म आत्माएँ, अरस रूहें परमधाम की ब्रह्म आत्माएँ, और बुद्ध जी तो बुद्ध जी का तात्पर्य जिसको वैदिक परंपरा में बुद्ध जी प्रकट होंगे जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के, और वो परमात्मा की बात समझाएंगे, इस तरह की बात कही गई। उसी प्रकार से कतई परंपरा में तो उनको रूहअल्लाह भी कह दिया, और अंतिम समय के मोहम्मद ऐसा भी कहा। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से समझाया है। वो परमधाम की आत्माएं और बुद्ध जी, उनके बिना छल का न पावे कोई कित। छल के कोई भी जीव है इस माया में भूले हुए जीव, अथवा तो इस माया के खेल को बढ़ाने के लिए आए हुए जो भी जीव हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात समझ नहीं पाएंगे। ए सौर भी दिल न आवही। उनके दिल में तो इस संदर्भ में विचार भी नहीं आएगा कभी, ये भी हो सकता है। तो अपने आप विचार ही नहीं आएगा। यदि ब्रह्म आत्माओं के संपर्क में आए और वो उनको थोड़ा 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 समझाते जाएं तो धीरे 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 कुछ न कुछ ख्याल आता जाएगा। बाकी इस पर विचार ही नहीं होता है बिना असल हक निस्वत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ के संबंध के बिना इस प्रकार का विचार ही नहीं आता। रूह अल्लाह दज्जाल को मारशि कते परंपरा में ये समझाया। जब कयामत का समय आएगा, सब आत्माएं जागृत होंगी, तो उस समय रूह अल्लाह प्रकट होंगे और दज्जाल को मारेंगे। छोड़ावसी उम्मत और उसके कब्जे में बनी हुई अपने आत्माओं के समूह अथवा जमात, उम्मत का अर्थ जमात समूह, आत्माओं को उसके कब्जे से छुड़ाएंगे। कर एक दिन चरण देखा वही और सबको एक मार्ग पर ले जा करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल दिखाएंगे। जाके असलह का निश्वत। जिनकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में असली संबंध है। तो इस प्रकार से ये कते परंपरा में समझाया कि कयामत का समय आएगा, उस समय रोआ ला करके दज्जाल को मारेंगे और उसके कब्जे से आत्माओं को छुड़ाएंगे। तो वो दज्जाल क्या है? शैतान। तो शैतानी वृत्ति, आसुरी वृत्ति, माया,
तो माया से छुड़ा करके परमात्मा के तरफ लगाएंगे, सीधी सीधी बात। अरस सूरत पर सेजदा करिषि मेहदी इमामत, तो मेहदी इमामत करेंगे मतलब अपना गुरुत्व तो बताएंगे। तो क्या करेंगे, जो परमधाम के स्वरूप है ना उनके प्रति नमन कराएंगे। दुनिया के स्वरूप के प्रति नमन करते तो लोग आए ही हैं, उनको इष्ट मान करके उनको महत्व दे करके, किंतु जब कयामत का समय आएगा तो उस समय वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप समझा करके उनके प्रति नमन करवाएंगे, तो उनके प्रति सबकी आस्था जागृत करेंगे। कदम ग्रहे देखा वही, कैसे उनके चरण ग्रहे ग्रहण किए जाते हैं वो सब दिखाएंगे। जाके असल हक निश्वत, जिनके जिनका असली संबंध है पूर्ण ब्रह्म से, तो ये ब्रह्मात्मा ही ऐसा करके दिखाएगी ना पहले, फिर दूसरे लोग भी उस रास्ते पर चलेंगे। दो आए बीच हिंदू अन के, जैसे कया हजरत, जैसे हजरत कहने से यहाँ मोहम्मद की बात कर रहे हैं, रसूल मोहम्मद। उन्होंने जैसे बोला था कि दोनों उस अनुसार दोनों ही ये स्वरूप, तो ये हिंदुओं के बीच में आएंगे, दूसरों में नहीं होंगे, हिंदुओं के बीच में आएंगे। तो वो मुसलमानों में ढूंढते हैं, तो उन्होंने कहा था वो पर्दा करके आएंगे, कहने का तात्पर्य मुसलमानों में नहीं होंगे हिंदुओं में होंगे, इस प्रकार से समझाने के लिए है। ये बेवरा सोई समझ आई, जाके असल का निश्वत, इस विवरण को वही समझते हैं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। तो जो मुसलमान लोग दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको वह समझा करके कहना चाह रहे हैं कि तुम जिन पर अत्याचार करते हो, तो तुम्हारे रसूल ने तो ये कहा कि इनमें परमात्मा प्रकट होंगे, तो तुम क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो। अरस कया दिल मोमिन ले दिल अरस गलियों में खेलत, जिनका हृदय परमधाम कहा है ऐसी आत्माएं परमधाम की गलियों में तो खेलती है, माया मोह में दिखने पर भी उनको हमेशा परमधाम ही दिखाई देता है, उसी में मस्त रहती है। सो पावे रूहे लाहुती जाके असलह कनिष्वत, तो वो लाहुती रूहें परमधाम की आत्माएं वही पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उनका ही संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। एक कदम पावे रूहें अरश की, नहीं औरों की किस्मत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को हृदय में धारण करने का सौभाग्य परमधाम की आत्माओं को ही प्राप्त होता है, दूसरों के भाग्य में ये सौभाग्य नहीं, ये नहीं है। ए सोई पावे हक बारी किया जाके असल हक निश्वत, तो जिन आत्माओं का पूर्ण ब्रह्म से असली संबंध है वही परमधाम की बारी किया सूक्ष्म बातें उसको समझ पाती है। अहल किताब कही यही कहे, अहल शब्द है मूल में, तो उनको बोलने में अहल बोल दिया, अहल का तात्पर्य उत्तराधिकारी। तो वो ये कहा था कि तुम तो ये इस कुरान को समझने वाले ही नहीं हो, इसको समझने वाले बाद में आएंगे, ऐसा कहा था। तो इससे लोग क्या समझते हैं, कुरान में बहुत कुछ है, तो वास्तव में ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन है, बाकी मार्गदर्शन है बाद में आएंगे, बाद में बाकी मार्गदर्शन बाद में आएगा। तो उस समय जो परमात्मा का आदेश प्रकट होगा, तो उसके लिए भी इनको तो यही लगता है यही कुरान है, तो उसके हिसाब से तारतम वाणी को बता रहे हैं कि ये तारतम वाणी है, ये परमात्मा का अभी का आदेश है, तो इसके उत्तराधिकारी इसको समझने वाली यही आत्माएं हैं। यही पावे हक मार्फत, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान इनको ही होगी। यही आशिक होवे मासुक की, मासुक प्रियतम परमात्मा की आशिक अनुरागिणी आत्माएं यही कहलाएंगी, जाके असल हक निश्वत, जिनका उनके साथ में असली संबंध है। जो रूहें उतरी अरस से, जो आत्माएं परमधाम से अवतरित हुई है, सो कदम अल्ले अरस पहुँचे, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण करके ही परमधाम पहुँचती है। देशी विश्व सबन को सबको मुक्ति स्थल का मार्ग दिखाएंगे,
सबको मुक्ति दिलाएंगे। जाके असलह कनिष्वत, जिन आत्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हैं वो सबको मुक्ति दिलाने वाली भी वही होंगी, ये कहने का तात्पर्य है। जो रुएं कही लाहुती ईजने इत उतरत, जो आत्माएं परमधाम की कही गई है वो ईजन का अर्थ होता आदेश, पूर्ण ब्रह्म के आदेश से ही दुनिया में आई है। सो पकड़े कदम इश्क सो, वे प्रेम से उनके चरणों को ग्रहण करती है। जाकी असल है कनिष्वत, उनकी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से असली संबंध है। रूहें अरस रबदे ताइया, परमधाम की आत्माएं तो वहाँ पर संवाद करके फिर दुनिया देखने आई है। पूर्ण ब्रह्म ने उनको समझा बुझा करके भेजा है, देखो कौन कदम ग्रहे जीतत। तो ये बातें उन्होंने चर्चा की है, देखो कौन सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म के चरण ग्रहण करके जीत लेगा, कौन पहले उनको समझेगा। तो इस तरह से वो ये परमधाम में ये कंपटीशन करके आई है। सो क्यों बिछुड़े इन कदम सो, ऐसी आत्मा इन चरणों से बिछुड़ नहीं सकती है। जाकी असल है कनिष्वत, इनका ही संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। या ही रब दे इताइया, इसी संवाद से चर्चा परिचर्चा से दुनिया ये आत्माएं दुनिया देखने आई हैं। लेने पीयू का विरह लज्जत, पीयू का विरह और लज्जत स्वाद, उनके विरह का स्वाद और फिर मिलन का स्वाद, दोनों का अनुभव करने के लिए आई है। लज्जत बोलते हैं स्वाद को। सो पाए कदम क्यों छोड़ी, तो वो जिनको ये कदम प्राप्त हुए वो उनको कैसे छोड़ सकती है। जाकी असल है कनिष्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है वो कभी उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। ए रब द अरस खिलवत का, रूहें इश्क अंग गलित, ये जो संवाद है ब्रह्मात्माओं के बीच में वो परमधाम का और वो प्रेम का संवाद है और प्रेम से उनका हृदय द्रवित हुआ है। सो क्यों छोड़े पाँव पकड़े जाके असल है कनिष्वत, ऐसी आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण करने पर फिर वो छोड़ने वाली नहीं है, उनका ही असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। रुहे इन कदम के वास्ते जीवित ही मरत, परमधाम की आत्माएं तो इन चरणों को प्राप्त करने के लिए तो जीते जी मर जाती है, कहने का तात्पर्य तो सब कुछ निछावर करती है। सो क्यों छोड़े प्यारे पाव को, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रिय चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है। जाके असल है कनिष्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। या ये कदम के वास्ते रूहें जल बल खाक होवत, इन चरणों को प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मात्माएं जल बल करके खाक हो जाती है, उनका विरह भी होता है, वियोग का भी ख्याल आता है, फिर संयोग होता है, वो अपने आप को निछावर करती है, ये कहने का तात्पर्य। तो दिलाए कदम क्यों छूट ही, जब हृदय में आए हुए चरण कमल है उनको कैसे छोड़ पाएगी। जाकी असल है कनिष्वत, तो जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। रूहे होवे जिन किन खिल के, तो ये आत्माएं जिस किसी भी जाति में प्रकट हुई हो, जिस किसी समुदाय में, हक प्रकटे सुनत, जैसे ही उनको पता चलेगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, वो सुनते ही आए पकड़े कदम पल में, वो उनके चरणों को तो पल मात्र में ग्रहण कर लेती है। जाकि असल हक निस्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनते ही उनके तरफ दौड़ करके उनके चरण सर ग्रहण करेंगे। जब आखर हक जाहिर सुने तब खिन मेरुएं दौड़त, तो आखिर समय में कयामत के समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्राकट्य होने की बात सुन करके ये आत्माएं दौड़ दौड़ करके उनके चरणों में पहुंचेंगी क्षण मात्र में। सो क्यों रहे कदम पकड़े बिना, वो उनके चरणों को ग्रहण किए बिना कैसे रह सकती है।
जाके असलाह का निश्वत, जिनका असली संबंध तो पूर्ण ब्रह्म से ही है। जब इमाम आए सुने तब मोमिन रहे न सकत। जब इमाम का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म को समझाने वाले सदगुरु का प्राकट्य हुआ ये बात सुनेंगे तो वो एक क्षण भी उनसे मिले भी न रह नहीं सकती है। दौड़ के कदम पकड़े, दौड़ करके उनके चरणों को ग्रहण करेगी। जाके असलाह का निश्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से। मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी पहाड़ से गिरत। मलकुत अथवा बैकुंठ, उसके सुख को प्राप्त करने के लिए भी कई लोगों ने पहाड़ से गिरने का भी संकल्प किया कि चलो ये जैसे भैरव झाँप बोलते हैं ना, वो उसके गिरनार से, इस प्रकार का कार्य भी किया लोगों ने। तो रुए हक कदम क्यों छोड़ी, जाके असल हक निश्वत। तो जिन आत्माओं का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ पाएंगे। तो जो वैकुंठ के सुखों की प्राप्ति के लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं तो ब्रह्मात्माएं कैसे नहीं कर सकती, तो ये कहना चाह रहे हैं। वो चरणों को तो छोड़ ही नहीं पाएगी। मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनी सिर ले तरावत। तो वैकुंठ अथवा मलकुत अथवा वैकुंठ वो एक ही है, ये भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होने वाला स्थान है। उस सुख के लिए भी लोगों ने अपने सिर पर करवत चलवाया, तो काशी में करवत चलवाने वाली बात कहते हैं। तो लोगों ने ऐसा भी किया। तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ी, जाके असल हक निश्वत। जो परमधाम की आत्माएं होंगी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को कैसे छोड़ सकेगी, तो उनको ग्रहण करेंगी ही। मलकुत बैकुंठ वास्ते दुनिया आग पीवत। बैकुंठ के सुखों के लिए तो दुनिया अग्नि का पान करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो रूहे हक कदम क्यों छोड़ी, जाके असल हक निश्वत। तो फिर ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती। दुनिया के जीव भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो ब्रह्मात्माएं वो तो परमधाम की है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को के सुख को प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों को कैसे छोड़ेंगे, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य। तो इन चरणों के प्रति ऐसी प्रीति होनी चाहिए, इस प्रकार से समझा रहे हैं। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके असलाह कनिशवत। मलकुत वैकुंठ वास्ते दुनिया आग पीवत। तो रुए हक कदम क्यों छोड़ही, जाके असल हक निश्वत। जाके असल हक निश्वत।